WHO बोल चुका है अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री और बढ़ जाएगा ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। ये गर्मी के बचाव से एसी से काम नहीं चलने वाला है। एसी भी 50-52 डिग्री जाते जाते फेल कर जाएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा बताइए। तो हम सबसे निवेदन नहीं करेंगे कि धरती को बचाने में मेरा सहयोग करें। किसी न किसी को तो पहल करना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो हम तो चल दिए हैं और बाकी सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ लगाएं। तो कोई भूखा जाए कहीं फल गिर के खा ले, कोई चिड़िया खा ले, कोई जीव जंतु खा ले, तो उससे हम रहें चाहे ना रहें इससे हमको सुकून मिलेगा। वो तो मेरा नाम नहीं जानेगा कि कौन लगाया है, लेकिन उसका आत्मा चुहा देगा ना कम से कम, बस यही की। बिहार के भोजपुर में वृक्ष प्रेमी ट्री मैन के नाम से जाने जा रहे हैं विष्णु सिंह। आपको बताते चले कि भोजपुर जिले के आरा शहर के नजदीक मझुआ निवासी विष्णु सिंह आजकल सुर्खियों में हैं। कारण कि उन्होंने लगभग 10,000 से भी ज्यादा वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। जब हमारी विशेष बातचीत विष्णु सिंह से हुई तो उन्होंने बताया कि आज जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है उसके लिए कहीं न कहीं हम सब लोग जिम्मेवार हैं। इस बार की जो गर्मी पड़ी उसे स्ट्रोक में ना जाने कितने लोगों की जान गई, और जो दिन प्रतिदिन पेड़ों को काटे जा रहे हैं उससे प्राकृतिक व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। समय पर बारिश न होना, असमय में बारिश होना, सूखा हो जाना, बाढ़ की रोकथाम नहीं होना और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज हमको जो फल खाने को मिल रहा है वो हमारी पीढ़ी द्वारा लगाई हुई बहुत कम है, इसलिए हमें भी चाहिए कि अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके मुझे अच्छा लगता है और आनंद मिलता है। पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी देखरेख और उसकी सुरक्षा की भी ध्यान रखी जाती है। उन्होंने और क्या कहा, लिए सुनते हैं विष्णु सिंह की बातें। हम आपको ये बताते चले कि आज ट्री मैन पौधे से प्रेम लगाव रखने वाले ऐसे व्यक्ति से परिचय कराएंगे जो आप देख करके आप भी सोचेंगे कि इस उम्र में भी कोई पेड़ से इतने लगाव हो सकता है किसी का। क्योंकि जानते हैं कि पेड़ पौधा लगाना, लोग सोचते हैं कि घर में बुजुर्ग हो गए और जाकर के बाग बगीचा में लगाएंगे। नई पीढ़ी जो है पैसे के पीछे दौड़ रही है या फिर किसी न किसी अलग उपलब्धियों के पीछे दौड़ रही है। उनकी ज़िंदगी में इतने रेस आ गए हैं कि आज अपने से मिलना या अपने किसी और के बारे में सोचने का समय भी नहीं रहता है। ऐसे में विष्णु सिंह एक ऐसा नाम है जो आज परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक अलग ही बीड़ा उठाया है, क्योंकि उनके साथ क्या ऐसे मन में आई, आखिर कौन सी ऐसी परेशानी हुई, क्या ऐसी पीड़ा उन्होंने देखी जो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। होता क्या है, पेड़ पौधा लगा, आप जिस आम को खा रहे हैं वो आपके द्वारा नहीं लगाई है, आपकी पीढ़ी के द्वारा नहीं लगाई है, वो आपकी पिछली पीढ़ी लगाई है। अब अगर आप लगाते हैं तो आपकी अगली पीढ़ी उसका भोग करेगी, उससे जो फल मिलेगा वो खाएगी। ऐसे में विष्णु सिंह ने ऐसा क्या सोचा जो अपने बगीचे में नहीं लगा रहे हैं वो पूरे सार्वजनिक स्थल में लगा रहे हैं, ऐसे जगह में लगा रहे हैं जिस जगह से उनका कोई लेना देना नहीं है, और घूम घूम करके, यही नहीं कि अपने गांव में जहां भी उनको लग रहा है कि वहां पहुंचना है या कोई बुला रहा है या हमसे दूर है, मतलब उस पेड़ से उनको निजी कोई स्वार्थ नहीं है। वो इसलिए लगा रहे हैं कि पूरा समाज उसका भोग करे। दूसरा चीज़ कि उनका एक और सोच है कि जो दिन प्रतिदिन लोग घर बनाने के लिए बगीचे काट रहे हैं, पूरी जहाँ घर नहीं बनना चाहिए वहाँ भी घर बन रहा है, बगीचा उजड़ जा रहा है, इस बात की ठेस उनके मन में है। आखिर क्या ठेस हुआ, किस बात को लेकर के उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ हैं विष्णु सिंह जी। सर ये बताइए सबसे पहले कि आपने जो क्या पीड़ा आपके अंदर आई कि पेड़ को लेकर के आपको इतना लगाव हो गया। सबसे पहले तो भोजपुर परिवार को मेरा प्रणाम। पेड़ लगाने के पीछे मेरा लक्ष्य ये है कि विगत जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा 120 साल के बाद सबसे ज़्यादा गर्म था ये, और WHO बोल चुका है कि अब 7-8 दिन पहले जी न्यूज पे दिखा रहा था, WHO बोल चुका है कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री और बढ़ जाएगा ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। तो ये गर्मी के बचाव से एसी से काम नहीं चलने वाला है। एसी भी 50-52 डिग्री जाते जाते फेल कर जाएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा बताइए। अपने सुख सुविधा के अनुसार हम लोग प्रकृति को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आज इस धरती को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान हमारा है, माने हम मनुष्य का योगदान है।
तो हमको लगा कि एक छोटा सा प्रयास शुरू करें, और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहे हैं कि सबको इसमें मेरा साथ दे, ताकि अकेले चले हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आप जैसे भाई बंधु लोग का ये आशीर्वाद है। तो हम सबसे निवेदन नहीं करेंगे कि धरती को बचाने में मेरा सहयोग करें। जी, आपने जिस बात को जोड़ा कि पर्यावरण को लेकर के जो टेम्परेचर की बात, जी 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 जी, ऐसे में क्या है कि वातावरण भी बदलते रहता है, बारिश समय पे नहीं हो रही है, कुछ समय हो जा रही है, तो क्या इस फलों को आप अपने पेड़ों को जो है अपने निजी जगह पे लगाते हैं? नहीं 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 नहीं, अपने ना तो मेरा स्वार्थ है नहीं, मेरा आने वाला पीढ़ी बढ़िया, माने आप भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, आप सुरक्षित रहें, आपके आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रहें। अरे किसी न किसी को तो पहल करना पड़ेगा, किसी को न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, भगवान के हाथ में, कहीं भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है, कहीं भगवान के भरोसे, कहीं ना भगवान आपके भरोसे बैठे हों। आप चलना शुरू कीजिए, तो हम तो चल दिए हैं, और बाकी सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ लगाएं। लोग ये इच्छा रखते हैं कि लंबा पेड़, जैसे कि बर पीपड़ लगाएंगे तो लंबे समय तक रहेगा, मेरा नाम उसके साथ रहेगा। आप कम उम्र वाले पौधे भी लगा रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं? हम फलदार वृक्ष लगा रहे हैं, वो भी पेड़ लगा रहे हैं, जो आप बोले पीपर, बर, पाकड़, नीम, ये भी पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन हम फलदार पौधे पर विशेष ध्यान, पेड़ पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि कहीं लगाएं हम, कहीं मंदिर पे, यहाँ भी लगाए हैं, मंदिर पे लगाए हम, कहीं सार्वजनिक जगह पे लगाएं, तो कोई भूखा जाए, कहीं फल गिर के खा ले, कोई चिड़िया खा ले, कोई जीव जंतु खा ले, तो उससे हम रहें चाहे ना रहें, इससे हमको सुकून मिलेगा। वो तो मेरा नाम नहीं जानेगा कि कौन लगाया है, लेकिन उसका आत्मा चुभा देगा ना कम से कम, बस यही की। नहीं, लोग क्या करते हैं, एक बार में 10,000 पेड़ लगा दिए या जितना भी लगा दिए, पेड़ लगाए, उनकी ड्यूटी खत्म, वहाँ से पेड़ सूखने चालू। आप देख रहे होंगे सर, मैं अक्सर देखा। हाँ बिल्कुल, बात सही है। तो हम ऐसा जगह चिन्हित करके रखे हैं, गाड़ी में पेड़ लगा लेते हैं, जहाँ जल स्रोत है, जहाँ जानवरों को आवागमन ना हो, वहाँ जाके लगाते हैं। अब तो हमको कॉल आने लगा है कि भाई विष्णु भाई, आप आके, हम ग्राउंड घिरवा दिए हैं, पानी का व्यवस्था है, मेरे में पेड़ लगाइए। अभी कल गए थे 133 पेड़ कल लगा के आए, फिर जाना है, एक जगह बोले हैं 200 पेड़, फिर एक पंडित जी हमारे अच्छे मित्र हैं, बोले कि हमारे गांव में 100 पेड़। अब गांव से भी फोन आने लगा है, इससे हम बहुत खुश हैं, अपने से कोड़ते हैं। एक छोटा भाई आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, और एक तो रखे हैं रूपा को, तो अपने गाड़ी में लाते हैं और चल देते हैं। जहाँ भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा चूंकि एक ज़रूरत है लेकिन बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है, आप उसमें समय कैसे निकालते हैं? नहीं देखिए पैसे की बात है, तो पैसे के पीछे तो हम भी भागते हैं, हम भी कमाते हैं, कैसे निकालते हैं समय? ओहो, समय आपके हाथ में, हम खाली समय में निकलते हैं, अगर हम नहीं कमाएंगे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, पेड़ कहाँ से लगाएंगे? रोड, रात को गड्ढा रोड भरते हैं तो कहाँ से करेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो, कमाएंगे नहीं तो परिवार कैसे चलाएंगे, तो इसके लिए समय कैसे निकलता है? तो देखिए, समय आपके हाथ में है, हम व्यर्थ कहीं नहीं बैठेंगे नहीं, जो मैनेजमेंट ऐसा कर लेते हैं कि काम के समय बस उतना काम कर दिए और उसके बाद अपना निकाल लिए, फालतू समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जो मेरे पास व्यर्थ समय आता है तो उसको हम अपनों के कार्य में लगा देते हैं। अब जैसे रात को देखिए, अब संडे को, रविवार को दिन रात को हम सड़क बनाना शुरू करेंगे, जैसे भी ड्राइवर भाग गया था ना, तो अब तक हम काम फिर लगाते हैं, मई में किए थे तो फिर पुनः यथावत स्थिति में आ गया है। जिन पेड़ों को आपने लगाया, बाद में आप उस पेड़ों के आसपास से गुजरते होंगे? अभी आए, हमको बहुत सुकून मिला, मेरा पेड़ माने मुस्कुरा रहा है, देख के हमको मुस्कुरा रहा था, हमको सुकून आ रहा है। वो खिलाते हुए पेड़ आपको दिखे होंगे? ठीक है, एक बच्चा आएगा, अगर उसको फल मिलेगा तो बहुत खुश होगा ना, तो उसके खुशी से हमको खुशी मिलेगा, हम रहे चाहे ना रहे, माने हम अपने लिए नहीं, अपने प्रश्नोत्तर नहीं, माने कि हम लगा रहे हैं, इससे हमको शांति है, हमको अच्छा लगता है, ये काम हम निरंतर करते रहेंगे। इस तरह से हम सुन रहे थे विष्णु सिंह को, विष्णु सिंह ने कहा कि चूंकि ये मेरा, हम भी पैसा कमाते हैं, हम भी अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन जो मेरे पास
समय बच जाता है, जहाँ लोग बैठ करके समय को बर्बाद कर देते हैं उसको हम बर्बाद नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि जब हम वो पेड़ उन पेड़ों के पास से गुजरते हैं जो पेड़ हमने लगाए और अगर खिलखिलाते हुए पेड़ हमको दिख जाते हैं तो हमको बहुत आनंदित आता है। उन्होंने एक बात और कहा कि कारवां में मन आदमी अकेले चलता है, पीछे से तांता लग जाता है। इसलिए उन्होंने आप लोग से भी, हम सभी से भी अनुरोध किया कि आप लोग भी प्रयास करें कि आपके पास अगर समय बच जाए तो कम से कम एक दो या जितना हो सके पेड़ लगा ही दें। इस तरह से समय समय पे हम आपको समाज की इन इस तरह की गतिविधियों से जोड़ते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए SS News से विष्णु देव उपाध्याय।